एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा स्कूल के अपार्टमेंट्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दो ट्रिक्स सिर्फ इस ऊंचे वाले अपार्टमेंट में वर्क करेगी, बाकी ट्रिक्स आप किसी भी अपार्टमेंट में ट्राई कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक के लिए हम जाएंगे इसके ऊपर, तो चलिए चलते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये जो आप खिड़की देख सकते हैं इसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको एक दो बार ट्राई करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम हो सकता है आप पीछे को गिर जाएं या फिर आगे को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की और मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह से बगल को हो जाएंगे। जैसे कोई एनिमीज आ रहे हैं आपके ऊपर रश करने, तो आप तुरंत यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो एनिमी जाएंगे तो आप यहाँ से मार सकते हैं उनको छुपकर, या फिर यहीं पर इंतज़ार कर सकते हैं उनका। छत में कोई आएगा तो छत वालों को भी आप यहाँ से मार सकते हैं, ठीक है। वो सोचेंगे कि आप छत में चले गए, लेकिन आप तो यहाँ पीछे हैं और पीछे से आप मार देंगे। काफ़ी कमाल की ट्रिक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आपके ऊपर रश करने आ रहा है तो उसको मारने के लिए या फिर छुपने के लिए। और यहाँ पर आकर आप बॉम्ब फेंक सकते हैं अगर कोई एनिमी ऊपर है तो। इस वक्त मेरे पास बॉम्ब नहीं है इसलिए मैं आपको फेंक कर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप ज़रूर फेंक सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो आपने खिड़की देखी होगी अपार्टमेंट्स में, ठीक है, वो कोई भी खिड़की हो सकती है कुछ इस तरह की, तो इसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप चढ़ जाते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है आपको। तो यहाँ पर आने का फ़ायदा ये है, कोई एनिमी आपके ऊपर रश करने आ रहा है तो आप यहाँ पर छुप सकते हैं, या भी कोई एनिमी यहाँ पर पहले से है तो आप दूसरी तरफ की खिड़की से इस तरह से जा कर एनिमी को मार सकते हैं। आप यहाँ पूरे में जा सकते हैं कुछ इसी तरह से। यहाँ पर मैं फिसल गया क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं किया, आपको थोड़ा अच्छे से करना होगा, संभल संभल के चलना होगा, तो आप नहीं गिरेंगे। और अगली ट्रिक के लिए हमें ज़रूरत है इस दरवाजे को बाहर खोलने की। और आपको पता ही होगा कई बार ऐसा होता है ना, हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो एनिमी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हम नीचे से सीधे ऊपर चले जाएंगे बिना सीढ़ी में पैर रखे। तो इसके लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और दरवाज़ा बाहर को खोल देंगे कुछ इस तरह से, आप सामने देख सकते हैं। और फिर चढ़ जाएंगे गाड़ी के ऊपर और फिर क्लिक करेंगे एक बार जंप में। तो यहाँ पर मैं नीचे गिर गया, एक बार और मैं करता हूँ, तो ये मैं ऊपर आ गया। यहाँ से आप डायरेक्ट ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से भी आप चाहें तो बम फेंक सकते हैं या फिर सामने अगर एनिमीज है तो उनको मार सकते हैं। अगली दो ट्रिक्स के लिए हमें इसी अपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, जो थोड़ा ऊंचाई में अपार्टमेंट है यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, इसकी छत में हमें जाना है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। छत में आने के बाद ये जो आप देख सकते हैं दीवार, इसके ऊपर हमें चढ़ जाना है और चढ़ने के बाद स्प्रिंट करना है और जोर से दौड़ना है। दौड़ते दौड़ते हमें इधर इस कोने में एम कर देना है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग आपने देखी, इधर एम कर देंगे तो आप यहाँ ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने का फ़ायदा ये है कि आप छुपने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई जल्दी नहीं देख पाएगा। जो इधर ऊँचे वाले अपार्टमेंट में जाएगा सिर्फ वही आपको देख पाएगा, तो आप उसको आराम से मार भी सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि आप यहाँ पर कैसे चढ़े ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही कि यहाँ पे कैसे चढ़ सकते हैं। तो चलिए अगली ट्रिक की बात करते हैं, तो वो भी उसी ऊंचे वाले अपार्टमेंट से वर्क करेगी। तो ये जो आप सामने पेड़ देख सकते हैं इसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं, काफ़ी कमाल की ट्रिक है। तो इसके लिए हमें वहीं पर जाना होगा ऊपर छत में, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं छत में, अभी इधर वाली दीवार में हमें आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनी है, इसके ऊपर चढ़ जाना है। चढ़ने के बाद हमें स्प्रिंट करना है, ये आप देख सकते हैं मेरे दोस्त ने इस तरह से किया, और हल्का सा एम करना है पेड़ की तरह, बिल्कुल हल्का सा, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी आराम से हम यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जल्दी कोई देख नहीं पाएगा कि हम पेड़ में, क्योंकि पहली बात तो ज़्यादातर एनिमी सोचेंगे कि हम अपार्टमेंट में, जैसे कोई रश करने आ रहा है या फिर कोई इस अपार्टमेंट में आ रहा है तो आप तुरंत यहाँ पे आ सकते हैं या फिर पहले से यहाँ पर होंगे, तो सबसे पहले एनिमी अपार्टमेंट में ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं होता है ना कि कोई पेड़ में भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे अपार्टमेंट में कोई आता है तो उसको भी आप मार सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि अपार्टमेंट में एनिमी जा जाते हैं, तो आप अपार्टमेंट के बदले यहाँ पेड़ में इंतज़ार कर सकते हैं और जैसे ही हुआ है तो उनको मार सकते हैं। और यहाँ से आप दूर का भी नज़ारा देख सकते हैं, सामने मैदान का, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेने लगा था, इसलिए अभी मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा नज़ारा। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने पहले कर ली थी और वॉइस अभी डाल रहा हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।